कह रहे थे कि हमारे को जिसने दिलवाया वो खुद एक वास्तु का स्टूडेंट था और उसने कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट के एंट्री में वेस्ट होगी और क्या देख रहा है। अब वो सीढ़ियों से चढ़ के आ गए ना, इसे उसी से चढ़ के आ गए तो सीढ़ियाँ मैंने कहा ठीक है नॉर्थ ईस्ट की एंट्री का बेनिफिट हो गया लेकिन नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ियों का माइनस पॉइंट हो गया, ये बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट हो गया। अब क्या किया उन्होंने, फिर क्या किया एक और सज्जन से, जैसे ये एरिया आपका उसका है सीढ़ियों वाला तो इसके अंदर नीचे से चढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने एक वो लगा दिया, मिरर लगा दिया कि हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया बढ़ गया तो उसके अंदर क्या होगा सीढ़ियों का इफेक्ट जरा डाइल्यूट हो जाएगा। इसमें अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्या है कि वो ऐसे आ रहे हैं और जा रहे हैं ना, सीढ़ियाँ ऊपर चल रही है तो इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, वो सीढ़ियाँ इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है और नेगेटिव हो गया। इसका महाराज कोई लंबा चौड़ा है नहीं, इसको जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। और आप इतने सक्षम हैं कि ना तो टेंशन से घबराते ना फाइनेंशियल बैंकरप्सी से घबराते हैं तो हाँ जी कोई भी इंडियन हो या वेस्टर्न हो उसके अंदर नॉर्थ फेसिंग फर्स्ट प्रायोरिटी साउथ फेसिंग सेकंड प्रायोरिटी दैट्स ऑल। सर घर के सामने मंदिर हो कोई एक मिनट, नॉर्थ फेसिंग फर्स्ट प्रायोरिटी साउथ फेसिंग सेकंड प्रायोरिटी, साउथ फेसिंग यदि है होती है तो उसमें क्या होता है पेट खराब रहता है उनका, एक दो गिलास पानी फालतू पी लो तो कोई तकलीफ नहीं है, नॉर्थ साउथ दोनों ले सकते हो। थर्ड प्रायोरिटी क्या होती है वेस्ट फेसिंग, लेकिन कोई मुस्लिम काम करने वाला होगा तो बनाएगा ही नहीं, तो कहते हैं हमारा काबा इधर वेस्ट की तरफ है, ठीक है ईस्ट में क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि हम देवताओं का स्थान ईस्ट में मानते हैं। बात करता हूँ अच्छा नहीं है ना महाराज, घर का मतलब है कि शांति के लिए आप आ रहे हैं, मंदिर में है चाहे वो आपका क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ लोग ज्यादा जा रहे हैं अपनी परेशानियां छोड़ के आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस है स्कूल है तो भी घर के एकदम सामने अच्छा नहीं है। दो जूते अवेलेबल है, एक के अंदर की लिखनी हुई है, मैं कह रहा हूँ मेरे को यही पहनना है ठीक है, चुभेगा उसको तकलीफ के साथ में जिंदगी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल कोई भागवा मेरे कुछ नहीं करता। देखो एक पंजाबी माँ का एग्जांपल देता हूँ, मैं पंजाबी एक्सटेंशन में एक सज्जन थे, यहाँ पर उनकी कोठी है थी, मतलब ये पार्क पड़ा हुआ था यहाँ पर जगह पे सोसाइटी ने मंदिर बनाना शुरू कर दिया। ये व्यक्तियों का क्या काम था आजादपुर मंडी में होलसेल का सेब का काम था, ये लोग उसमें आपका शिमला में आ गए श्रीनगर में एक एक पे जो ये ऑर्चर्ड वाले हैं उनको 30-30, 40-40 लाख रुपए उधार दे के आया करते, उनके ऊपर एडवांस रहता था, जिनको माल देते थे आगे उनके पास 10-10, 5-5 लाख रुपये उनको उधार रहता था। इसका मतलब है कि बहुत अच्छी साउंड पार्टी थी। जैसे जैसे मकान बनना शुरू हुआ आज की डेट में वैसे वैसे उनका डाउनफॉल आता शुरू हो गया, आज की डेट में ये उन्होंने मकान बेच दिया है। एक भाई वहाँ पर एक स्टोर में नौकरी कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, भी मिल के आया इसलिए मुझे एकदम याद हो गया सारा, 4-5 साल पुरानी बात है। और दूसरा भाई भी यहाँ पर सर्विस कर रहा है, ये सारा का सारा घर के एकदम सामने मकान बन रहा है, ये मंदिर बना उसके बाद ही सारी प्रॉब्लम समझ में, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है उससे लगाने वाले कुछ नहीं होगा ठीक है। आप कैंसर का बुखार है या नॉर्मल बुखार है ये डायग्नोस करना है, नॉर्मल बुखार का पानी की पट्टी से तुलसी अदरक से इलाज हो जाएगा, कैंसर के बुखार का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। कोई तो रहेगा सर इस मकान में? जी सर कोई तो रहेगा इस मकान में, रहेगा परेशान रहेगा क्या बात होगी, सारे लोग सुखी थोड़ी है, छाया भी है काफी दूरी डिस्टेंस है, एक गली पड़ जाए जितनी मंदिर की टोटल हाइट है उसको लिटा दो आप उसके डबल तक इफेक्ट रहता है। मान लीजिए भाई साहब खड़े हैं वहां पर जितनी इनकी हाइट है उसको एक बार लिटा दो दोबारा लिटा दो उसके बाद ये मकान है तो कोई तकलीफ नहीं। मिरर्स के लिए कौन सी बेस्ट डायरेक्शन होती है? मिरर्स मिरर करता क्या है उसके लिए मैं जानना चाहिए कि मिरर उस दिशा को बढ़ाता है जिस दीवार पे लगता है उसको बढ़ाता है। वो दीवार कौन कौन सी हो सकती है? जो नॉर्थ ईस्ट एक हो सकता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट, फाइनेंस भी और पीस ऑफ माइंड भी और ग्रोथ भी, तो नॉर्थ ईस्ट दीवार पे लगाना चाहिए। दूसरा क्या कैरियर ऑफ फाइनेंस, नॉर्थ में भी लगा सकते हैं, ईस्ट का मतलब भी ग्रोथ है शांति है नेम एंड फेम है कोई दिक्कत नहीं वहाँ भी लगा सकते हैं। वेस्ट माने रेस्ट तो घर के अंदर वो भी लगा सकते हैं, किसी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट में नहीं लगाए
ये चीजें डायरेक्शन से जिनसे हमारे को एक्सेप्टेबल अच्छी वेलकम चीजें मिलती है। साउथ से क्या मिलता है? खर्चा बीमारी, साउथ ईस्ट से लड़ाई झगड़ा गुस्सा, साउथ वेस्ट से लिटिगेशन, नॉर्थ वेस्ट से आपके घर से बाहर रहेगा, ठीक है, घड़ी लगाओ चाहे शीशा लगाओ। तो इसलिए उनको एक्टिवेट नहीं करना है। मिरर्स को किस किस एडवांटेज के लिए यूज किया जा सकता है? मिरर्स किया ना आपको उसी दिशा को बढ़ाते हैं वो, वो ऑलरेडी आपकी पूरी रेगुलर शेप में है, फिर भी आपने लगा दिया तो एक एडिशनल आपको एडवांटेज होगी। और यदि कटा हुआ है वो एरिया, इनमें से ही मैंने जो बोला आपको नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, तो उसके कंपनसेट करने में आपको काम आ गया। इसी में लगा इस मकान के बेसमेंट में नॉर्थ ईस्ट में साउथ वेस्ट में भूल जाओ, जिस दीवार पे लगा उसको आगे बढ़ाएगा, बस ये सोचो वो बढ़ेगी कैसे, वो थोड़ी बढ़ेगी, उसके पीछे वाली बढ़ रही है ना, नहीं सर ये समझ लो क्या है मिरर, ओके ये नॉर्थ ईस्ट वॉल में रहा है, मैं यहाँ पर आया, ये आया, ये आया, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ये नोशनल हो रहा है, यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि और आगे भी जगह है, ये आगे जो नोशनल बढ़ गया ये एरिया बढ़ गया ना वाइट, वो थोड़ी बढ़ा है, वो तो वहीं का दीवार वहीं की वहीं वो नहीं बढ़ रही। ऐसे में हमें सामने कोई अलमारी, कोई हाई, कोई हैवी चीज रखी हो उसके सामने मिरर नहीं लगाना चाहिए, उसका रिफ्लेक्शन इसमें आएगा वो अच्छा नहीं। एक कॉलोनी में जैसे वेस्ट साइड मकान होते हैं तो उसमें दो डायरेक्शन में होता है हमेशा की, एक घर जो बनेगा उसकी सिडिया नॉर्थ में जाएगी, दूसरा घर बनेगा तो उसकी सिडिया अपोजिट साइड में जाएगी। अभी मैंने एग्जांपल दिया था, देखो इसी को लगा लें, ये एक वेस्ट की रोड हमारी है, वेस्ट इधर है तो ईस्ट कहां पर होगा, इधर होगा, ये साउथ होगा या नॉर्थ होगा, तो इसके अंदर दो एंट्री हो सकती हैं, ठीक है ना। ये दो एग्जांपल ले आप, पहला एग्जांपल लो कि मकान है, दूसरा होगा कि प्लॉट है, विला में और मकान में फर्क हो गया ना, मकान। अब मकान में क्या होगा कि ये में या तो ये एंट्री करो या ये एंट्री करो, दो ही हो सकती है। अब साउथ वेस्ट को आप करने नहीं दोगे, एक चीज तो समझ में आ गई, हमारे पास ये एरिया हो गया। अब मैडम ये समझो कि ये एरिया नॉर्थ नहीं है, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट माने लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से वजन उठा सकते हो, सिर्फ जितना डेलिकेट नहीं है ये, तो यहाँ पर इस एरिया में सीढ़ियां दो, आप किसने मना किया, और ज्यादा लंबी देनी है ऊपर नीचे चढ़नी है इस तरह से, दो ये हम बढ़े तो वेस्ट में चढ़े, नॉर्थ में मत पड़ो, वेस्ट में चढ़े और नॉर्थ में टर्न करना पड़ेगा। दो बातें याद रखो ऊपर चढ़ने के लिए, तो दो बातें याद रखो, पहली बात क्या रखो, पहला तो हम नॉर्थ वेस्ट जोन यूज कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि नॉर्थ यूज करें या वेस्ट करें, यदि लंबा जाना है तो वेस्ट इज डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी। एक और कंसेप्ट ये होता है जब नॉर्थ से चढ़ें कि ईस्ट से उतरें, क्लॉकवाइज चढ़ाओ तो ज्यादा अच्छा है, समय के अनुसार चलो, घड़ी के हिसाब से चलो, ऐसे याद रखो, सरल तरीका याद करने का। और अभी कुछ याद बात हो रही थी उसके बाद आपको बताते हैं, क्या है माय डियर, पहले हमें समझना चाहिए गोमुखी होता क्या है, फिर शेरमुखी होता क्या है, ये हम दो सिमेट्रिकल शेप बना लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन हम लिख लेते हैं, गोमुखी का मतलब क्या हुआ, आगे से भेड़ा पीछे से चौड़ा, कम खाती है घास खाती है दूध देती है, अच्छी है शुभ है, तो क्या हुआ इसको किस तरह से बना सकते हो आप, आगे से भेड़ा देखो, दिस कैन बी वन पॉसिबिलिटी,